बड़ी खबर जौनपुर से। सर्विलांस व स्क्वाड व थाना लाइन बाजार की पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वीडियो की परीक्षा में नकल कराने की योजना बनाने वाले 13 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दे पूरा मामला जौनपुर के जज कॉलोनी थाना लाइन बाजार का बताया जा रहा है। बता दे मौके से अभियुक्तों से 27 मोबाइल, 8 ब्लूटूथ डिवाइस, 15 माइक्रो ईयरबड, 114 बैंक चेक व 82,860 रुपये व स्कॉर्पियो व एक वैगनार व 5 मोटरसाइकिल मौके से बरामद की गई। सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के दौरान ही सर्विलांस टीम तथा थाना लाइन बाजार की फोर्स को मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि जनपद जौनपुर में शहर में कुछ साल्वर गैंग लोग हैं जो वर्तमान में चली वीडियो परीक्षा में सर्विलांस के द्वारा ब्लूटूथ और इन डिवाइसों के द्वारा पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तत्काल सर्विलांस की टीम तथा थाना पुलिस की टीम द्वारा उन लोगों को चेक किया गया, पूछताछ की गई तो 13 लोग हिरासत में आए जिनके पास से कई मोबाइल फ़ोन, कई सिम कार्ड, कई मार्कशीट्स और लैपटॉप मिला है तथा कुछ माइक्रो डिवाइसेस भी मिली हैं। और उन सब में उनका जो मेन व्यक्ति था उसमें एक व्यक्ति आशीष पटेल अभी वांछित है तथा एक कमलेश यादव लेखपाल है जो यहाँ लेखपाल है। इन सभी के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया थाना लाइन बाजार में तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और ये कितनी परीक्षाओं में क्या क्या अभी तक कितनी परीक्षाओं पेपर आउट कराए गए हैं या इनका क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उसके संबंध में साक्ष्य संकलन किया गया। पुलिस को कैसे चिंता लगेगी परीक्षा में लोग कैसे पता लगेगी?